संसद मैं हूं मनोज सुराजी। आज तेलंगाना मादिका जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही है और ये जो बात कर रहे हैं एससी वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर जो मादिका कम्युनिटी है उसको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो काफी कम मिल रहा है और जो 10 साल पहले पार्लियामेंट सॉरी 10 साल पहले जो विधानसभा में बिल पास करके एससी वर्गीकरण की बात कही थी केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं कर रही है। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन है जो इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन है वो आनंद जी करण जयराज जी हमारे साथ है। करण जयराज जी से बात करेंगे और पूछेंगे क्या क्या समस्याएं आती है। करण जी कितना पॉपुलेशन है मादिका का? मादिका का 18% पॉपुलेशन है तेलंगाना में मादिका का। और टोटल में के एससी में? टोटल में नहीं एससी में मादिका में। अच्छा एससी जो कैटेगरी है उसमें मादिका का 18% 18% है। और अभी अभी रिजर्वेशन में कितनी भागीदारी है उनका अभी कितना लोग? अब 10% भी नहीं दे रहे हम लोग। 10% भी नहीं दे रहे हम लोग। तो जो वर्गीकरण है उसकी आप डिमांड कर रहे हैं? हाँ, टोटल एससी रिजर्वेशन को पूरा जो मादिका को नहीं दे रहे माला को दे रहे। अच्छा अब 30 साल का पंचायत चल रहा है यहाँ पे। हाँ तेलंगाना में। हाँ तेलंगाना असेंबली के 10 साल के नीचे मिल जाता है। मतलब पेंडिंग है? पेंडिंग नहीं नहीं असेंबली में सैंक्शन हो गया पार्लियामेंट को भेजे वर्गीकरण कर दे रहा बोल को केसीआर गवर्नमेंट। हाँ उसके बाद एक 7 साल के नीचे 8 साल के नीचे वो वेंकैया नायडू आया था। हाँ। 4 लाख का मादिका पॉपुलेशन से परेड हैदराबाद परेड ग्राउंड में मीटिंग रखे तो उस दिन उनका बोला 100 डेज में मैनिफेस्टो में रखा 100 डेज में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था क्योंकि वेंकैया नायडू बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर वो आपके वहां पे आए आपके तेलंगाना में 4 लाख की जनसभा की और सबको ये वादा किया कि भाई 100 डेज में 100 डेज 100 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर आपका कैटेगराइजेशन एबीसीडी वर्गीकरण कर देंगे बोल के बोले थे। अच्छा मगर वो नहीं हुआ जुमला हो गया। परसों रिसेंटली 1.5 महीने के नीचे तेलंगाना के इलेक्शंस के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी भी आया। अच्छा मोदी जी भी आपको भी 100 कंपलसरी ये पार्लियामेंट के सेशंस में हम लोग कंपलसरी कर देते बोल के बोले मगर ये टाइम पे जुमला कर दिया कि अब तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में तो ग्रो भी कर रहा है। मोदी का मनुवादी है इसी का इसी की चमारों को काम करता भाई। हाँ। देखे ना उत्तर प्रदेश में बिहार में हर कुछ नार्थ इंडिया में क्या हो रहा है बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हो रहा है अत्याचार हो रहे हैं हत्या हो रहे बहुत हो रहे ना तो ये मनुवादी हम लोग को नहीं करता। तो आप ट्रेडिशनली वोटिंग किसको करते हैं जैसे समाज में कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद है आप लोग? हम लोगों को प्रांतीय पार्टी टीआरएस का भी है। हाँ। तो इसमें फिलहाल का ऑल पार्टी से कांग्रेस पार्टी भी है। अच्छा अब इसमें बैठे सर जो व्यवस्था का प्रेसिडेंट कौन है उस्मानी फाउंडर पीडामर्ति रवि एससी कॉर्पोरेशन चेयरमैन मतलब सब तरफ से आपको सपोर्ट है सपोर्ट है बीजेपी वाले बीजेपी मनुवादिया नहीं कर रहे हम लोगों को जुमले वादा कर रहे। इससे पहले वेंकैया नायडू भी करिया उसके बाद परसों मोदी भी आगे करिया। वेंकैया नायडू को तो बहुत कहते हैं बड़ा ही लिबरल किस्म के वेंकैया नायडू तो बड़ा अच्छी पर्सनालिटी थी उन्होंने वादा किया वो भी पूरा नहीं हुआ। उन लोगों का मैनिफेस्टो में भी है जी मैनिफेस्टो में 100 डेज विद इन 100 डेज इलेक्शन खत्म होने के बाद 100 डेज में ऐसा तो नहीं आप फिर से वादा कर देंगे 2024 में फिर से वोट कर दो बीजेपी को और वो फिर हम चूते नहीं बन सकते भाई जुमलेबाज है भरोसा उठ गया। हाँ भरोसा उठ गया मनुवादी है इन लोग नहीं करते। अच्छा। नहीं करते धोखा देते हैं धोखा 100% धोखा देते हैं फिर भी तेलंगाना में बीजेपी को पूरा पूरा निकाल देना चाह रहे हम लोग जो एससी कैंडिडेट चमारा आदि और तो हमिया दे रहे मगर काम नहीं कर रहे। किशन रेड्डी सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी भी आपको वादा किया मैनिफेस्टो में भी लगाया परसों भी बोले 100 to 200% हम लोग ये पार्लियामेंट सेशन में करेंगे अपने साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भी आया मोदी जी भी वादा दे रहे बोले तो मोदी जी खुद 4-5 लाख के मोदी जी कहते हैं कि मेरा गारंटी है गारंटी नहीं चलता मोदी का क्या नहीं चलता वो मोदी क्या बोले अब कृष्णा महाजी का बोलकर MRPS का एक बड़ा नायक लीडर है उन मेरा छोटा भाई मैं उसके साथ में रहता हूँ बोल के बोला मगर मैं ये काम ये कैटेगराइजेशन करता हूँ बोल के नहीं बोला अब बड़ा उद्यमकार है आपके पीछे मैं हूँ तुम मेरा छोटा भाई मगर काम नहीं करेगा काम नहीं। अच्छा नहीं कर रहे हैं ना कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं जैसे एक और धरना लगा हुआ वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं वो क्या है उन लोगों का अभी ऐसी अच्छा उन लोगों का माला
इसके पॉपुलेशन कम है मगर रिजर्वेशन हर रिजर्वेशन इसी के रिजर्वेशन पूरा माला कम्युनिकेशन मारा उन लोगों उषा मेहरा कमटी तो उनको दिक्कत क्या है अगर उनको अगर कैटेगराइजेशन हो जाए उनको प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है बोलते उन लोग जरा अनएजुकेटेड माला स्ट्रांग है वो एजुकेटेड है ये चमारा क्या है कि मादियल पिछड़े है तो इन लोगों को खाली मतलब पिछड़ों को कमजोरों को दबाया जा रहा है आप ये कह रहे हो हाँ बिल्कुल दबा रहा जा रहा है ना 30 साल हो गए हमारा हक मारा जा रहा है हाँ 30 साल से हमारे एबीसीडी वरी आपका जो एससी का जो रिजर्वेशन है वो एक पर्टिकुलर कास्ट ले जा रही है आप ये कह रहे हो उसको फायदा हो रहा है ज्यादा हाँ माला कम्युनिटी को बहुत फायदा हो जाए तो अभी एससी अगर 10 जावा पड़े समझ 10 जावों में अब 5 जावा एससी को दिया समझ हाँ 5 के 5 में उन लगा जा रहे एक भी माध्यम को नहीं दे रहे आप अपनी रिजर्वेशन क्या है कि एससी को रिजर्वेशन है मगर एक सबका माला कैश का है कि पूरा रिजर्वेशन लगा ले वो ग्रैब कर रहा है पूरा अच्छा आप अपनी भाषा में जो आप बोलते हैं उसमें कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं वीडियो 100% देना चाह रहा हूँ बोलिए अपनी भाषा ये नेक्स्ट टाइम अभी ये पार्लियामेंट सेशन में अगर नहीं हुआ ना पूरा तेलंगाना माधिका चमारा पूरा 10,000 तक आपको यही बैठ जाता है यू कैन स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज अपनी भाषा में बोलिए आप क्या मैटर है तेलुगु में बोलिए बोल आप बोलिए एससी वर्गीकरण बिल्लु पार्लमेंट समावेश प्रवेशपेटी తెలంగాణ మాదిగ జేఎస్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ పిడమర్తి రవి గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు మాదిగ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఈ రోజు ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైతే 30 సంవత్సరాల నుండి మాదిగలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం మీద పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ వెంకయ్య నాయుడు గారు 100 రోజులలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల క్రితమే మాట ఇచ్చినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా మొన్నటికి మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి మాదిగలకు మాట ఇచ్చినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లు పాస్ చేస్తామని చెప్పేసి మాట ఇచ్చినటువంటి దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు మా మాదిగల వైపు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా కూడా మీరు ఈ పార్లమెంటు సమావేశం